वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। और आज जो है नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर टू जो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप जानते हो, प्रतिस्थापन विधि, यानी कि किसी जो है नंबर को दिया गया है जो कि फार्मूलेशन में नहीं है, फार्मूला में डायरेक्ट नहीं है, तो हम सब्स्टिट्यूट करके जो है उसे फार्मूले में लाएंगे और उसके साथ साथ उसके बाद इंटीग्रेशन का फार्मूला उस पर लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं और हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3x + 5 power 7। क्वेश्चन नंबर 1, 3x + 5 power 7 का इंटीग्रेशन करना है आपको। चलिए सॉल्यूशन जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे, आप जानते हो कि 3x + 5 power 7 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, और इसका एक्सपेंशन करना यानी कि बहुत टफ हो जाएगा, वो बहुत बड़ा बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान में रखिए कि 3x + 5 power 7 dx है, तो यहां पर हम करते हैं लेट 3x + 5 = t, ये ले लेते हैं, यानी कि हमने इस पूरे बाइनोमियल टर्म को t मान लिया। ठीक है, इसी को सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कि आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, आपने प्रतिस्थापित कर दिया 3x + 5 की जगह t। अब चूंकि डिफरेंशिएट हम करके देखेंगे, क्योंकि dx को भी तो हमें रिप्लेस करना है, जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो उसी के रिस्पेक्ट में dx भी रिप्लेस होगा, क्योंकि वेरिएबल बदल जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, तो यहां पर डिफरेंशिएट किए 3dx और प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इक्वल टू dt, ये हो जाएगा, यानी कि dx जो है उसके जगह पर dt/3 आप ये लिख सकते हैं। तो जब आप बदलेंगे इसको तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 3x + 5 के जगह t लिख देंगे, यही ना आपने माना है, t माना है तो t लिखेंगे और पावर 7 हो जाएगा, और dx के जगह रिप्लेस कर देंगे dt/3, बहुत ही इजी है, dx के जगह dt/3 यह रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो 1/3 ये बाहर आ जाएगा 1/3 और t/7 dt यह आपका चेंज हो गया वेरिएबल के साथ, यानी कि प्रतिस्थापित कर दिया आपने x के जगह t को, यानी कि 3x + 5 की जगह t को आपने प्रतिस्थापित कर दिया। अब ये फार्मूले पर डायरेक्ट है, जैसे x/n का जो है इंटीग्रेशन तो x/n + 1/(m+1) होता है, बस उसी चीज को लगा दीजिए आप 1/3 और x/7+1/(7+1) और प्लस ये c हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये c हो गया इंटीग्रल कांस्टेंट, और यहां पर 1/3 और यहाँ 7 टी है, t/7+1, यानी कि t/power क्या हो गया 8 हो गया upon 8 + c। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1/24, और t जो है कि जगह पर आपने जो पुट किया था, ठीक है, आप निकालने के बाद इंटीग्रेशन निकालने के बाद t की जगह आपने जो पुट किया उसे वहां पर रख दीजिए, यानी कि 3x + 5 power 8 और c, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसी को सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, कि आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो डायरेक्ट फार्मूले पर नहीं आ पाएगा, तो क्या करेंगे कि उस टर्म को आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, उस पद को आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और आपने 3x + 5 = t रखा और 3x यानी कि जब डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ तो 3dx = dt हो गया, क्योंकि 5 का 0 हो गया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और dx = क्या हो गया dt/3, आपने dt/3 लिख लिया। अब t/7 जो यहाँ 3x + 5 है वो t माने थे आप, तो t/7 dt/3 ये हो गया, मींस 1/3 t/7 dt यहाँ हो जाएगा, और 1/3 और यह x/n dx का जो इंटीग्रेशन, यानी कि x/n का इंटीग्रेशन होता है, वही इंटीग्रेशन प्रोसेस यहां पर भी लगेगा,
तो यहाँ टी पर पावर 7 + 1 upon 7 + 1 + c, यानी कि 1/3 इंटू टी बाई 8, टी पर पावर 8 upon 8, 8 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/24 हो गया, 3x + 5/8 + c, यह इसका आंसर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन अंडर रूट 5x² + 7, अंडर रूट 5x² + 7 dx, ठीक है, अंडर रूट 5x² + 7 dx, and it is not a 5x² it is x only, ये 5x² नहीं है, 5x + 7 है, ठीक है, x² में ये चेंज हो जाएगा, अलग तरह से क्वेश्चन होगा क्योंकि स्पेशल इंटीग्रेशन के उसमें आएगा और पढ़ा जाएगा आपको चैप्टर नंबर 5 में। अब देखते हैं सॉल्यूशन, यह इंटीग्रेशन अंडर रूट 5x + 7 dx है, तो इसको इंटीग्रेट करते समय आप देखिए ये जो है 5x + 7 अंडर रूट में है, जो कि डायरेक्ट जो है ये फार्मूले पर नहीं आ पाएगा, तो इसको आप क्या मान लेंगे, लेट 5x + 7 = t, यानी कि 5 dx = dt, क्योंकि 7 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो dx = क्या हो जाएगा, dx = 1/5 dt, 5 को इधर भेज दीजिए, 1/5 dt हो जाएगा। नाउ इट विल बिकम, यह हो जाएगा अंडर रूट, इसको आपने क्या मान रखा है, 5x + 7, यानी कि t * 1/5 dt, यह हो जाएगा, और जो कि 1/5 यहां रहेगा और t का जो है पावर 1/2 dt हो जाएगा। यह इंटीग्रेट आप कर लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/5 और t पर पावर 1/2 + 1 upon 1/2 + 1 + c, ठीक। अब यहां पर यह हो जाएगा 1/5 × t/3/2 upon 3/2 + c, यह 2 ऊपर चला गया, ठीक है, तो 2 upon 15 t/3/2 + c, ये हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आप किया हो, सब्स्टिट्यूट कर लिया आपने, उसके बाद t की वैल्यू वहां पर रख दिया, और यहां पर यह हो जाएगा 2 upon 15 और t पर पावर, यानी कि t क्या है, 5x + 7, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो t की वैल्यू आप रख दें 3 × 3/2 + c, यह हो जाएगा 2 upon 15 t/3/2 + c, यानी कि 2/15 5x + 7 3/2 + c, ठीक है, यह इसका आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज e^x + 1 2, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और e^x dx, देखिए अधिक से अधिक क्वेश्चंस जो है मैं खुद लगा दे रहा हूं और आप भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन
सॉल्व करें, क्योंकि अधिक से अधिक जब प्रोसेस समझकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर आपको प्राप्त हो सकेगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन के नेचर को जानोगे, क्वेश्चन समझोगे, तभी आप सोल्यूशन कर पाओगे। ठीक है, और क्वेश्चन समझने के लिए उसके प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझना होगा। जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूशन समझाया जा रहा है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करें क्या ना करें, इस पर भी बहुत ध्यान देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। यह हो जाएगा e पर पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ इंटीग्रेशन e पर पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू e पर पावर x dx, ये हो जाएगा। अब सॉल्यूशन का जो है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखिए e पर पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर e पर पावर x dx है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं e पर पावर x प्लस 1 एंड होल स्क्वायर e पर पावर x dx। हम देखें e पर पावर x dx का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पर e पर पावर x dx के साथ साथ e पर पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहली बात है e पर पावर x प्लस 1 के होल स्क्वायर को, यानी कि e पर पावर x प्लस 1 को हम t मान लेते हैं। ठीक, तो हम यहां क्या लिख देते हैं, लेट e पर पावर x प्लस 1 इक्वल टू t, या आप लिख दोगे डिफरेंशिएट करो इसे, तो e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x होता है और dx होगा इक्वल टू dt, क्योंकि 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो आप देखो e पर पावर x dx यहां पर दिया हुआ है, ये dt से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और e पर पावर x प्लस 1 को हम t मान लेंगे। तो अब जो ये क्वेश्चन आ गया, यहां से जो क्वेश्चन है यह t स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ex, क्योंकि ex प्लस 1 t हो गया, तो ये t स्क्वायर हो गया, ex dx dt के बराबर हो गया, तो हम dt लिख लिए। देखिए ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यह t स्क्वायर dt हो गया, t स्क्वायर dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो गया, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी t पर पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट। अब जो है यहां पर आ जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक, यहां पर 1 बाय 3 t क्यूब मतलब e पर पावर x प्लस 1 होल क्यूब प्लस c, यह हो जाएगा, यानी कि 1 बाय 3 e पर पावर x प्लस 1 होल क्यूब प्लस c, यह इसका आंसर होगा। तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से आपने e पर पावर x प्लस 1 को t मान लिया, तो पूरा t स्क्वायर हो गया, और ex dx जो इसके डिफरेंशिएशन से आया ex dx इक्वल टू dt, तो dt से रिप्लेस हो गया, उसके बाद इंटीग्रेट कर लिया आपने, आपको आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये जो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 3 dx, 4x प्लस 3 dx। आप जरा ध्यान दीजिए इस पर कि यहां पर स्क्वायर रूट में बाइनोमियल टर्म दिया हुआ, दो टर्म है, और यहां पर आउट ऑफ रूट जो है वन टर्म है, तो ये डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में e(x) स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 3 dx ये होगा। और आप क्या मानो, इस तरह के सिस्टम में आप जो स्क्वायर रूट में हो या जो इस तरह के पावर में हो बाइनोमियल टर्म, उसको आप t माना करो। ठीक है, बाहर जो मोनोमियल दिया हुआ सिस्टम, बाहर जो दिया हुआ उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है
जिससे कि x इसमें मल्टीप्लाई होकर अलग अलग फंक्शन नहीं बना पाएगा और जिससे कि इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले आप किसको मानोगे, लेट 4x प्लस 3 इक्वल टू t, इसी को हम t मान लेते हैं। अब जरा देखिए 4x dx यानी कि 4x dx इक्वल टू dt हो गया, तो dx जो रिप्लेस हो जाएगा वो dx इक्वल टू 1 बाय 4 dt ये हो जाएगा। अब चूंकि x की वैल्यू आप देखो कैसे निकालोगे, तो आप जानते हो कि x जो यहां पर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, सिंस 4x प्लस 3 इक्वल टू t है तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस 3 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस 3 बाय 4, यानी कि यहां से x की भी वैल्यू आप निकाल लो जिससे कि दोनों को रिप्लेस करने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ x नहीं रह जाना चाहिए, ये भी t में आना चाहिए, टोटल जो है एक ही वेरिएबल में होना चाहिए ना, ठीक। तो अब अगेन यहां से क्वेश्चन आप कर सकते हो, सिंस x आपने माना है x इक्वल टू, नाउ आप लिख सकते हो नाउ x स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 3 dx इक्वल टू, अब जो है आपने इसे मान लिया है तो क्या माना है, 4x प्लस 3 को t मान लिया है तो इंटीग्रेशन में स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और उससे पहले x की वैल्यू लिख लो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस 3 बाई 4 इंटू रूट टी, क्योंकि ये रूट टी हो गया, 4x प्लस 3 को आपने t मान लिया तो रूट टी इंटू डी टी अपॉन 4। देखो dx इक्वल टू dx की जगह पर आपने 1 बाय 4 dt निकाला है तो 1 अपॉन 4 dt आपने लिख लिया। तो सबसे पहली बात x की वैल्यू यहां से आपने ले लिया, ठीक है, जो निकाले हैं, और 4x प्लस 3 को ये आपने t माना है, और फिर dx को आपने क्या यानी कि निकाला है 1 बाय 4 dt निकाला है, 1 बाय 4 dt यानी कि dt बाय 4। अब सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, वो बाहर कर लो आप, इंटीग्रेशन t माइनस 3 और ये अंडर रूट t का मतलब t पर पावर 1 बाय 2 dt। अब देखो ये रूट में सिंगल फंक्शन है या सिंगल वेरिएबल आ गया, ठीक है, सिंगल टर्म आ गया तो उसका पावर 1 बाय 2 है, इन दोनों में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 16 और t पर पावर 1 प्लस 1 बाय 2 यानी 3 बाय 2 माइनस 3 t पर पावर 1 बाय 2 और dt ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर लो, ठीक है, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाय 16 t पर पावर 3 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 3 बाय 2 प्लस 1, कई बार मैं बता चुका हूं कि x पर पावर n का क्या होगा, x पर पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो उसी तरह t पर पावर n की तरह ये है, यानी कि 3 बाय 2 n आप समझ लो तो 3 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 3 बाय 2 प्लस 1 और माइनस ये जो है 3 और t पर पावर क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 दैट इज द प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस सी, यह जो है आपका वैल्यू होगा, ये चूंकि ब्रैकेट में है 1 अपॉन 16 दोनों से मल्टीप्लाई है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा एंड 1 अपॉन 16 ये क्या हो जाएगा, t पर पावर 5 बाय 2, आप जानते हो 3 बाय 2 प्लस 1 5 बाय 2 हो जाएगा क्योंकि 2 1 2 प्लस 3 5 अपॉन 5 बाय 2 और माइनस ये 3 टाइम्स ये हो जाएगा t पर पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 प्लस सी। अब जरा ध्यान दीजिए, यह 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाय 16 2 अपॉन 5 t पर पावर 5 बाय 2 एंड माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 3 t पर पावर 3 बाय 2 प्लस सी। आप जरा ध्यान दो 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा क्या, और t की वैल्यू रख लो आप तो 1 बाय 16 बाहर ही रहने दो और 2 अपॉन 5 और t की जगह पर आपने क्या रखा 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 आप पुट कर दो यहां पर 4x प्लस 3 पर पावर 5 बाय 2 माइनस 2 टाइम्स
ये क्या हो जाएगा 3 यानी कि 4x प्लस 3 पर पावर 3 बाई 2 प्लस c। अगर आप चाहो तो इसमें 1/16 का मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं है, अलग अलग के और कोफिशियंट्स आ जाएंगे। 2 से 16 कटेगा यानी कि 8 होगा, 8 5 40, 1/40, और 2 से 16 कटेगा तो 1/8 होगा। तो अगर आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो, 16 से काट देना इसे, 2 upon 16 into 5 4x plus 3 और पावर 5/2 माइनस 2 टाइम्स 2 upon 16 4x plus 3 पावर 3/2 प्लस सी। आप 2 से यहां काट दोगे 8 हो जाएगा, ठीक है, और 2 से इसको काट दोगे आप 8 हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहो तो यही जो है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आंसर इसका, ये हो जाएगा नेक्स्ट। इसके बाद आप ये लिख लेना यानी कि 1/40 4x plus 3 पर पावर 5/2 एंड प्लस माइनस, इट इज तो माइनस लिख लो आप, माइनस 1/8 है 4x plus 3 पावर 3/2 प्लस सी, यह आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो, यह भी आंसर है, ठीक है। अगर आप अलग अलग कोफिशिएंट चाहते हो कि यानी कि 1/16 हमें बाहर नहीं रखना हो तो आप 15 मल्टीप्लाई कर लो, वो भी आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, ये होगा इंटीग्रेशन x अपॉन इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 dx। सॉल्यूशन, जरा आप इस क्वेश्चन को देखें, यह भी उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब जो है इसमें क्या होगा कि x प्लस 4 नीचे है तो उसको t मान लेंगे, ठीक है, जिसे कि वह मोनोमियल में आ जाए यानी कि बाइनोमियल में है, और ये टर्म हो जाए बाइनोमियल में, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर, जिसे कि आसानी से सॉल्व हो सके। तो चलिए देखते हैं, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 डीएक्स यह है। तो अब यहां पर आप देखो, लेट एक्स प्लस 4 इक्वल टू टी, यह हो जाएगा। आप एक्स इक्वल टू यहीं से कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, टी माइनस 4, ठीक। तो एक तो एक्स की वैल्यू आप यहां से रख सकते हो, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो जरा आप। डिफरेंशिएट करोगे तो डीएक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी, यानी कि dx dt से रिप्लेस हो जाएगा। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू एंड नेक्स्ट टर्म विल बी x, x के जगह क्या हो जाएगा, t माइनस 4 आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यह अंडर रूट t हो जाएगा, अंडर रूट t और dt, ठीक है। तो अब जो है इंटीग्रेशन, आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अलग अलग है, t माइनस 4 अपॉन अंडर रूट t, तो अंडर रूट टी से इसे डिवाइड कर दो, अंडर रूट टी हो गया माइनस 4 अंडर रूट टी डी टी, ये हो गया। अब जो है इंटीग्रेशन में टी अपॉन अंडर रूट टी यानी कि टी पर पावर यह हो जाएगा
वन माइनस वन बाई टू माइनस फोर और टी पर पावर हो जाएगा माइनस वन बाई टू डी टी। यह अलग अलग हो गया ठीक, अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ में, डिनोमिनेटर में जो पावर है उसको ऊपर ले गए ठीक। अब देखिए यहां पर इंटीग्रेशन टी पर पावर वन बाई टू माइनस फोर टी पर पावर माइनस वन बाई टू डी टी। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो आप ठीक है। टी पर पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी पर पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन माइनस फोर टाइम्स टी पर पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन और प्लस सी। यही फार्मूला होता है एक्स पावर एन का ठीक है। तो टी पावर एन यहां पर लगेगा, टी पावर एन का फार्मूला हो गया टी पर पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन यानी कि वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू, जो भी पावर है उसमें प्लस वन आ जाएगा ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी पर पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू माइनस फोर टी पर पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू प्लस सी। ये ऊपर चला जाएगा टू अपॉन थ्री होगा टी पर पावर थ्री बाई टू और ये हो जाएगा माइनस फोर इंटू टू और टी पर पावर वन बाई टू प्लस सी। आप टी की वैल्यू पुनः पुट कर सकते हो, एक्स प्लस फोर आपने रखा था टी की जगह पर तो एक्स प्लस फोर रख लो आप टू बाई थ्री और एक्स प्लस फोर पर पावर थ्री बाई टू माइनस एट और एक्स प्लस फोर पर पावर वन बाई टू प्लस सी। यह आपका आंसर हो गया ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं जो कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। और यहां पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स पर पावर एट इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स पर पावर एट डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि एक्स क्यूब है एक्स पावर एट है, बड़ा है क्वेश्चन ठीक है, लेकिन नहीं ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत ही इजी हो जाएगा और बहुत आसानी से ये लग सकता है। बस आप फार्मूला जानते रहो और प्रोसेस जानते रहो कि कैसे जो है इसे सॉल्व करना है ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स क्यूब और यहाँ पर वन प्लस एक्स पर पावर एट को एक्स और फोर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, फोर टू या एट पावर टू पावर मल्टीप्लाई होते हैं, एक्स पावर फोर का होल स्क्वायर मीन्स फोर टू या एट एक्स पावर एट, एक्स पावर एट के बराबर है। अब एक्स पर पावर फोर को आप टी मान लो ठीक है, आप क्या करो लेट एक्स पावर फोर इक्वल टू टी, अगर ऐसा कुछ आता है तो आप देखो क्या इसके जो है स्क्वायरिंग करने पर जो आ रहा है नंबर उसको हम मानते हैं टी, तो क्या यह इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा डीएक्स के साथ लगकर। तो देखिए यहां पर जब आपको डिफरेंशिएट करते हो तो यह आ जाएगा फोर एक्स क्यूब, क्योंकि डिफरेंशिएशन में एक पावर घटता है इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है ठीक है। तो फोर एक्स क्यूब डीएक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, आप डिफरेंशिएशन पढ़े हो तो इसका आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हो और यहां पर यह हो जाएगा यानी कि यहां पर इसको और थोड़ा रिप्लेस कर लो एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन फोर,
यानी कि x क्यूब dx जो ऊपर दिया हुआ है उसके जगह पर आप dt अपॉन 4 लिख सकते हो। और तो आपका जो इक्वेशन ये होगा, क्वेश्चन होगा, वो टर्न हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। देखिए 1 अपॉन 1 प्लस t, t माने थे आप x पावर 4 को, तो यहां पर t स्क्वायर हो गया और dx के जगह पर x क्यूब dx के जगह पर ये हो गया dt by 4। ठीक, तो अब जो है यहां 1 by 4 तो ये बाहर आ गया और यहां हो गया 1 upon 1 plus t square dt। यह tan inverse 1 by 4 tan inverse t plus c का फार्मूला है। 1 upon 1 plus x square tan inverse x होता है, तो जहां x है वहां हमने t लिख दिया, तो 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t हो जाएगा। और यहां 1 बाई 4 tan इनवर्स x पावर 4, आपने क्या माना था x पावर 4, ये हो जाएगा प्लस c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए कई बार जो है एग्जामिनेशन में दिया जा चुका है और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन जो है आते हैं एग्जामिनेशन में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल यानी कि फंक्शन से रिलेटेड है। और अब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन जो है क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा और उनके फार्मूलों को थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अनुसार उसे पहले जो है सिंप्लीफाई करते हैं और तब सब्स्टिट्यूट करके फार्मूले बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन टेन क्यूब एक्स sec cube x sec power 5 x dx ये दिया हुआ है। तो देखिए इसमें दो फंक्शन आ गए ट्रिग्नोमेट्री के ही, एक तो tan cube x आ गया और sec 5 x आ गया, तो कोई एक का इंटीग्रेशन हो सकता है, एक साथ दोनों का इंटीग्रेशन होगा ही। ठीक है, तो हम क्या इसमें सपोज करेंगे, क्या मानेंगे, तो सबसे पहले बात देखिए कि अगर हम tan मानते हैं तो tan क्यूब x है, लेकिन sec पावर 5 x है, 2 x होता तो हम tan को t मान लेते, sec स्क्वायर x होता तो tan को t मान लेते, लेकिन sec पावर 5 x है, sec स्क्वायर x तो एडजस्ट हो जाएगा, बाकी sec क्यूब का कोई यहाँ पर फार्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हम देखते हैं tan क्यूब x sec पावर 5 x dx को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात हम इन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और ये क्या होगा tan स्क्वायर x यहां ले लेंगे, एक tan x को हम यहां से निकाल दिए, बाहर कर दिए, और sec पावर 5 x में से sec पावर 4 x ले लिए, यानी कि एक sec को भी हमने निकाल दिया। अब इन दोनों को जो निकाला है वो sec x tan x यहीं पर लिखेंगे और dx, यानी कि इनके एक एक पावर को हम ले लिए और sec x और tan x dx लिख दिए। ठीक, अब जो है हम क्या करेंगे, सबको sec में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि sec को ही हम t मान लें। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x को हम लिख लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 और sec पावर 4, ये क्या हो जाएगा sec पावर 4 x और sec x tan x dx ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर sec x को हम t मानते हैं, लेट sec x इक्वल टू t, तो आप जानते हो कि sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, जब डिफरेंशिएट करोगे तो sec x का क्या होता है, sec x tan x dx इक्वल टू dt। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है
तो आपको बहुत ही सचेत रहना होगा, बहुत ही ध्यान देना होगा कि क्या फार्मूला, इस कौन से फार्मूला इसमें लगेंगे और किस तरह से कन्वर्ट होगा, वह आपको याद होना चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन में जितने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन के लिए, उसको भी तैयार रखिए आप। इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी आपकी तैयार होनी चाहिए, ठीक है, और तब बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पर ये secx tan x dx, देखिए इसीलिए हम उसको अलग किए थे, secx tan x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt, और यहाँ पर secx जितने हैं वो t हो जाएंगे। अब इजिली कन्वर्ट हो गया ये, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस वन एंड t पर पावर फोर, क्योंकि sec पावर फोर x था तो t पर पावर फोर हो गया, और secx tan x dx को हमने कर दिया dt। अब जो आपका इक्वेशन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया टी में। अब देखिए टी पावर फोर को दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे बायनोमियल टर्म में, एंड टी पर पावर फोर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, टी पर पावर सिक्स माइनस टी पर पावर फोर, ये हो जाएगा और डीटी। चलिए अब जो है इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जो कि बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, t पर पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 माइनस t पर पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 एंड प्लस c, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ इट विल बी t पर पावर 7 अपॉन 7 माइनस t पर पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। t क्या माने थे हम, secx माने थे, तो उठाकर t की जगह पर हमने secx रख दिया, तो ये हो जाएगा sec 7x, sec x पावर 7 अपॉन 7 माइनस sec x पावर 5, sec x पावर 5 यानी कि लिखते क्या है, sec 5x अपॉन 5 प्लस c, ठीक है। ये sec x पर पावर 5 है, sec x पर पावर 7 है, अपॉन 7 और 5, इस तरह से ये सोल्यूशन आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और यह काफी अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और इन सभी फार्मूलों को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, जैसे कि आगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं वो बहुत अधिक यूज होने वाले हैं, ठीक है। और आप अधिक से अधिक जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन जो है आवश्यक है हमारे लिए कि हम जो है अधिक से अधिक वीडियो बना सकें और अच्छे से अच्छा जो है लेक्चर आपके सामने लेकर आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये दिया है इंटीग्रेशन sec x log sec x plus tan x, इंटीग्रेशन sec x log sec x plus tan x dx। जरा ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में अगर दिया रहता है तो हम कभी देखते हैं और मान लीजिए कभी लगाए नहीं है, या इसके बारे में सब्स्टिट्यूशन के बारे में अगर जानते नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी आप, क्योंकि लॉग फंक्शन भी आया है और लॉग के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आया है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। ये मूव करेगा ही नहीं, कोई स्टेप मूव नहीं करेगा जब तक आप एकदम क्लियर नहीं हो जाओ कि हमें किसको सपोज करना है, ठीक है, क्योंकि sec x को आप सपोज करोगे तो ये नहीं मिलेगा, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें log sec x plus tan x सपोज करना है, इसी को जो है हमें मानना है। तो सोल्यूशन में आइए देखते हैं, और इन सभी चीजों का ध्यान रखिए, अगर आपको फार्मूला आएगा तभी ये आसानी से लग पाएगा। तो इंटीग्रेशन sec x log sec x plus tan x dx, ठीक है, यहां पर है। अब जो है लेट log sec x plus tan x equal to t मान लीजिए, हमें क्या मानना है, सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले को नहीं मानना है,
क्योंकि फर्स्ट वाले से लॉग आएगा नहीं डिफरेंशिएट करने पर, ठीक है। लॉग से हम डिफरेंशिएट लॉग का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे लॉग का 1/x होता है तो 1/sec(x) प्लस टेन एक्स। अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छी तरह जानते हैं तो ये लिख सकते हैं 1/sec(x) प्लस टेन एक्स, चूंकि लॉग में है तो 1/ में आ जाता है। क्योंकि अब जो है इसका भी डिफरेंशिएशन करना है तो sec x का क्या हो जाएगा, sec x tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और dx इक्वल टू dt। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसके डिफरेंशिएशन को अच्छी तरह से जान रहे हो तभी आप कर पाओगे। तो यहां पर sec x आप बाहर निकालो, sec x जब बाहर इसमें दोनों जगह है बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan x प्लस sec x अपॉन यहां पर हो जाएगा नीचे है sec x प्लस tan x, दोनों एक ही चीज है और dx इक्वल टू dt। देखिए आप sec x प्लस tan x और tan x प्लस sec x कट जाएगा, अब sec x dx, sec x dx इक्वल टू dt हो जाएगा ये, ठीक। बस यानी कि ये चीजें जो है आपका sec x और dx जो है यहाँ पर dt हो जाएगा और log sec x plus tan x t हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ कन्वर्ट हो गया इस रूप में t dt। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन sec x log sec x plus tan x dx, log sec x plus tan x dx को हमने t मान लिया और sec x dx equal to dt आ गया आपका, तो ये t dt में कन्वर्ट हो गया जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यानी कि t स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर क्या है 1 यानी कि log x sec x प्लस tan x, यही आप माने थे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू रख लो आप, चूंकि t की वैल्यू आप रखोगे t की वैल्यू ये होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन ये हो जाएगा 2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी हो गया, अगर इंटीग्रेशन के उसमें देखा जाए तो केवल एक स्टेप ही इंटीग्रेशन था और इसको जो है इंटीग्रेट किया फिर कन्वर्ट कर लिया, ठीक। तो यहाँ पर मेन है कि आप किसको मानते हो, ठीक है, यह आपको डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में cos 2x दिया हुआ है अपॉन sin x plus cos x या sin x plus cos x का होल स्क्वायर दिया हुआ है और dx, ठीक है। अब देखिए इसको भी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का है तो पहले हम सॉल्व करेंगे जिससे कि यह हमारे फार्मूले पर सेट बैठे और तभी इसे सॉल्व इंटीग्रेशन से कर पाएंगे। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज आपको होनी चाहिए और उसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे cos 2x होता क्या है, तो cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अच्छा बहुत बच्चे कहते हैं इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन तो इजी है बेटा, इंटीग्रेशन तो आ ही जाएगा, ठीक है। पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिजॉल्व तो करो, ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन दिए हुए हैं उसके फार्मूले तो आपको आने चाहिए, अगर वो आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान दो, cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x के तीन फार्मूले हैं, उसमें से पहला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और यहां पर sin x प्लस cos x का
होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दो कि अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फंक्शन में लेते हैं और हाँ कास्ट टू एक्स का वास्तव में फार्मूला तो एक ही होता है, हम तीन तरह से यूज करते हैं उसे। मेन फार्मूला है कास्ट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब हम केवल साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कास्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में, साइन ही केवल चाहिए होता है, और जब हमें केवल कास्ट चाहिए होता है तो साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं कास्ट में बाई आइडेंटिटी मैथड। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास्ट स्क्वायर एक्स वन होता है, तो हम करते हैं तीन फार्मूला, वास्तव में वो एक ही फार्मूला है। ठीक है, वो कन्वर्ट करके तीन फार्मूला में बना हुआ है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखते हैं तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इससे काट दो आप, ठीक है, और dx है एक पावर कट जाएगा क्योंकि cos x plus sin x या sin x plus cos x दोनों एक ही चीज है, तो ये कट गए। अब बचा क्या, आपके पास बच गया इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन sin x plus cos x। अब सोचोगे कि क्या करें, यहां पर क्या जो है वैल्यू पुट करें, तो आप जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लो। क्यों ऐसा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो आप लिखोगे लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो आप डिफरेंशिएट कर दो दोनों को, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स है आपके पास, ठीक है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स है, इसको जो है लेट कर लिया आप, तो यहां पर डी टी के जगह पर ये रिप्लेस हो गया। ठीक, तो अब हम इक्वल टू लिख सकते हैं इसे, जो क्वेश्चन है यहां पर इसको लिख सकते हैं वन अपॉन टी, क्योंकि इसे आपने टी माना था, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है किसके बराबर है डी टी के, तो ये डी टी हो गया, तो वन अपॉन टी डी टी इंटीग्रेशन है, यानी कि वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है लॉग एक्स होता है, उसी तरह से वन अपॉन टी डी टी क्या हो जाएगा लॉग टी होगा, तो लॉग टी प्लस सी ये आंसर हो जाएगा। टी की वैल्यू आप पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यह जो है आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन है, आप इसे लगाएं। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन जो होमवर्क में दे रहे हैं जो कि आप लगा कर लाएंगे कल, और कल उन क्वेश्चंस पर हम पुनः डिस्कस करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड को आगे बढ़ाएंगे। तो चलो आप नोट कर लो होमवर्क आज का, जो प्रोसेस हमने कराया उसी प्रोसेस से क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क का। इंटीग्रेशन एक्स पावर सेवन वन प्लस एक्स पावर सिक्सटीन डीएक्स पहला क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है, और क्वेश्चन नंबर टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स साइन टू एक्स साइन टू एक्स और ए स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको करके लाना है। ठीक है, और अधिक से अधिक क्वेश्चन भी आप करें, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि एक बुक से ही करें, आप दो तीन बुक उठा लें, दो तीन बुक से करें, या जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको मिले। जब अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे सभी प्रोसेस इस तरह से समान होंगे, आप देखोगे तो एक नया आइडिया भी आपको आएगा ही, और उसे और अच्छे से सॉल्व करते चले जाएंगे आप। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।